हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज भी मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ। एक्चुअली प्लान कुछ ऐसा है कि मैं और मेरे कजिन्स कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं किसी कैफे या रेस्टोरेंट में, एंड आई एम यूज्ड टू हैंग आउट विद माय कजिन्स पहले लॉकडाउन से पहले, एंड ये बहुत टाइम बाद होने वाला है तो हम रियली एक्साइटेड और बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तक हमने कोई कैफे या रेस्टोरेंट भी डिसाइड नहीं किया है, बस गूगल पर सर्च करा है कौन सा न्यू कैफे या रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जयपुर में, एंड हमारी प्रेफरेंस रूफ टॉप है क्योंकि रूफ टॉप पर बहुत मज़ा आएगा। सर्दी का मौसम है एंड वेदर बहुत प्यारा है, एंड ऑफकोर्स पिक्चर्स एंड वीडियोज़ भी बहुत अच्छे आएंगे, तो हमारी प्रेफरेंस रूफ टॉप ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैफे सर्च कर रहे हैं, एंड अब मैं वहाँ जाकर आपसे मिलती हूँ। तो बाय। Here we are at Queen's Hub Cafe Malunagar, and I love the hall interior of this and vibe, so classy and elegant. Hi, this is me and I'm the queen of Jaipur. So nice, yeah. एंड बाइक चलाने की नाकाम कोशिश करते हुए राहुल त्रिपाठी, एक्चुअली ना लिफ्ट बंद है या पता नहीं कोई काम चल रहा है, एंड कैफ़े फिफ्थ फ्लोर पर है तो हमको टेडर्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा, बट या कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते हैं लेडर्स के थ्रू भी। एंड वी आर एट रूफ टॉप, सो गुड। ग्रीनरी एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत प्यारा लग रहा है, एंड वो रहा WDP, एंड ये रे झराना माउंटेंस, बहुत ही अच्छा व्यू है। एंड यहाँ हो रहा है सबसे बड़ा डिस्कशन, लाइक कौन सा फूड ऑर्डर करना है एंड किसके लिए क्या ऑर्डर करना है। ये मैं बकवास ऑर्डर कर दूं, मैं पूछ रही हूं। मैं बोल रहा हूं तो जो बोलेंगे ले लेंगे। ठीक है, तेलिए तेलिए शेक नीचे, शेक बताओ, शेक प्लस शेक नहीं, शेक बोल, शेक बोल, शेक बोल, शेक बोल, शेक बोल, बहुत अच्छा है। एंड बैकग्राउंड नॉइस आएगी क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन स्टार्ट है, एंड हमने ऑर्डर कर दिया है खाने के लिए जो भी ऑर्डर करना था। मेरे कजिन्स आते ही इसलिए कि वो लोग फोटोग्राफी कर सके, सो बेसिकली ये ही मेन मोटो होता है खाने का और फोटोग्राफी का। एंड देन लोकेशन इज सो नाइस, बहुत ही अच्छा रूफटॉप है, एंड यहाँ से WDP का भी पूरा व्यू आता है, एंड झालाना के जो माउंटेन्स हैं उनका भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा प्लेस है, पहले भी हम इस कैफे में आए लेकिन जब इसका नाम और कुछ था, लाइक ट्रंच एंड आई थिंक सो, एंड अभी ये क्वींस हब है। ये हमारे मिस्टर फोटोग्राफर, मेरी सारी फोटोग्राफी एंड वीडियोज़ का क्रेडिट इन्हीं को जाता है, ये ही मेरे सारी फोटोग्राफी एंड वीडियोज़ करते हैं। सो एक दो वाइब्स तो देखते हैं, लाइक देखो देखो, शी इज़ माई सिस्टर। चलो सोम्बे, हेलो। अब बना ना, सो द फूड इज ऑसम, लाइक बहुत टेस्टी फूड है। अगर आप जयपुर से हो तो क्वीन हब आना, सिर्फ फूड के लिए ही बहुत अच्छा फूड है। हमने ऑलप्रेड ऑर्डर किया था एंड 2-3 टाइप्स के शेक ऑर्डर किए थे, सब सब बहुत अच्छा था। एंड पनीर टिक्का पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, वो भी आई थिंक अच्छा ही होगा। लेट्स ट्राई दिस। ट्राई कर कर बता रही वीडियो। या इट्स नाइस, बहुत अच्छा है। अगर आपको फूड के लिए जाना है तो क्वींस हब WTP के पीछे ही कैफे, सो Thank you.
ओवरऑल एक्सपीरियंस विद दिस कैफे इज ऑसम। जयपुर में अगर कोई नया कैफ़े देख रहे हो तो ये अभी ओपन हुआ है, मैंने अभी अंकल से बात करी दिसंबर के समथिंग ही, तो बहुत अच्छा है, फूड बहुत अच्छा है, इंटीरियर भी अच्छा है, फोटोग्राफ्स सबके लिए, एंड जो मैंने फोटोग्राफ्स और वीडियो बनाए हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि कैसा इंटीरियर था। ही सोमेश ये बहुत फनी है, ये बहुत कुछ बोलता है, एंड ये राजस्थानी में ही बोला है अभी इंडा चबा, लाइक हमारी प्योर राजस्थानी लैंग्वेज यही है, ऑल दो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं लेती हूँ बट हाँ यही है। सो दैट्स इट एंड होप सो आप सबको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, अगर आप ऐसे ब्लॉग और देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं और अच्छे ब्लॉग्स बनाने का ट्राई करूँगी। सो बाय। मैंने सोचा था ब्लॉग कंप्लीट हो गया है बट आई थिंक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अभी एक और प्लान बनाया है, हम लोग यहाँ आए हैं टी कनेक्ट, उसी कैफ़े के जस्ट पास में है, एंड आई डोंट नो क्यों आया यहाँ पे बट जा रहे हैं अंदर, देखते हैं क्या मिलना है। यहाँ का इंटीरियर थोड़ा सा लाइक डार्क है, लाइटिंग बहुत कम है, लेकिन सॉन्ग्स और सब कुछ अच्छा है, एंड इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट ईयर मैं यूज टू थी यहाँ पे आने से लाइक 15-20 टाइम तो आ चुकी हूँ, क्योंकि फूड बहुत अच्छा है, यहाँ का सेफ बहुत अच्छा है, लॉकडाउन के बाद मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, पता नहीं फूड की क्वालिटी चेंज हुआ नहीं हुई, सो ट्राई करती हूँ कैसा है पहला जैसा है। तो अगर आप भी जयपुर से हो तो टी कनेक्ट भी आप आ सकते हो, बहुत अच्छा कैफे है फूड के अकॉर्डिंग, बट पिक्स कैप्चर नहीं होगी अगर नॉर्मल कैमरा है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा है देन आपकी पिक्स वगैरह कैप्चर हो सकती है, लेकिन पिक्स के लिए इतना अच्छा प्लेस नहीं है, पिक्स के लिए इतना अच्छा कैफे नहीं है, बट फूड के लिए एंड ऐसे ही चिलआउट के लिए एंड मस्ती के लिए बहुत ही अच्छा कैफे है। आई लिटरली फॉरगेट टू एंड द व्लॉग, इसीलिए मुझे वापस से फिल्म करना पड़ा, मैं घर पहुँच गई हूँ एंड ड्रेस भी चेंज कर लिया है, एंड मेरा पूरा आज का दिन बहुत ही अच्छे से निकला है एक्चुअल के अकॉर्डिंग। अगर आप सब मेरे को और देखना चाहते हो अपने फीड पे तो सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल बटन, सो व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू व्लॉग यू विल गेट नोटिफाइड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।